पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही। पुलिस थाना करेरा द्वारा एक आरोपी को 64 लीटर कच्ची शराब जिसकी कीमत 14,000 रुपए बताई जा रही है उसके साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया एवं SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में रात्रि इलाका भ्रमण के दौरान थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आइल ऑफ तराहे पर एक व्यक्ति दो नीले रंग की कैनों में कच्ची शराब भरे हुए है तथा लोगों की बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स के साथ आइल ऑफ चौराहे हाईवे रोड करेरा पर पहुंचा। एक व्यक्ति नीले रंग के दो कैन रोड किनारे रखे हुए था मिले जो कि पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगा, जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा गया। उनका नाम व पता, उसने अपना नाम अरविंद यादव पुत्र संतोष सिंह यादव उम्र 45 वर्ष ग्राम काली पहाड़ी थाना करेरा का होना बताया। आरोपी के कब्जे में से दो नीले रंग की प्लास्टिक की कैन जिसमें करीब 64 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमत करीबन 14,000 रुपए की विधिवत जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 499/23 पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को दिनांक 10 जून 2023 को भी 60 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया था तथा जेल भेजा गया था। दिनांक 3 जुलाई 2023 को 21 दिन बाद जेल से रिहा होने के पश्चात पुनः अवैध रूप से शराब बेचने लगा। इनकी रिहाई भूमिका थाना प्रभारी करेरा निरीक्षक सुरेश शर्मा, प्रधान आरक्षक दुर्गा चरण शर्मा, आरक्षक संजीव श्रीवास्तव, अनूप कुमार, आलोक जैन, ओम प्रकाश रावत आदि ने की। कल रात्रि में जो शराब पकड़ी थी वो क्या मामला है? कल रात्रि को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अरविंद यादव निवासी काली पहाड़ी का आई लव तराए पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर से दबस्ती गई तो आरोपी कब्जे से करीब 64 लीटर कच्ची देसी हाथपट्टी की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी आरोपी को 34(2) में भेजा गया था। आरोपी 7 महीने में निकल के बाहर आया है और जैसी बाहर आया तैसी पुनः अपराध करने लगा तथा शराब की बिक्री करने लगा।